Hi everyone, welcome back to Shani Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं आप सब? Hopefully आप सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की. बहुत ही छोटी सी क्लास होगी, बट आपके काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगी और सिर्फ इसी का बताऊँगी. बाकी आपको पता है कि अब की बार एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको अप टू डेट है. आप काफ़ी स्मार्ट गाय हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर लेंगे. अब हमें क्या पढ़ना है ये ध्यान रखिए. देखिए, आप लोगों ने तो काफ़ी कुछ जानना है. ये आप लोग अपनी इंग्लिश की जो कॉपी होगी वो इस बार आप लोग पहली बार लिखोगे, ठीक है? सिंपल सी बात है. इसमें बहुत सारे लोग को डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया जहाँ पर आपको चीज़ें बताऊँगी कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है. तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लास में. जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. टेलीग्राम को एटलीस्ट इस समय ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है, ताकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस, पीडीएफ, जो कुछ भी अवेलेबल हो, क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह जो कुछ भी वहाँ पर आपको भी मिले और आप अपनी क्लास को लूज़ ना करें, मतलब छूट ना पाए. तो चले देखते हैं इस क्लास को. देखिए, ये मैंने खुद लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाएगा, ठीक है? ओके ओके है, बहुत अच्छी तो नहीं, क्योंकि काफ़ी समय बाद लिखा और सिर्फ मैंने कोई भी बहुत हाईलाइटेड कलर समथिंग कुछ भी यूज़ नहीं किया है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी इंग्लिश की कॉपी इस बार आपको कैसे लिखनी है, ठीक है? ये मैंने ऐसे लिखा, आपको बिल्कुल नहीं लिखना. आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो तीन फॉर्मेट में आएंगे. एक आपके एमसीक्यूज फॉर्म के आएंगे जो कि 5 आएंगे, बाकी आपको सेस अदर क्वेश्चंस जितने भी लेफ्ट बचते हैं वो लिखने को आएंगे. सबको क्लियर है, सबको मालूम है. आपकी जो कॉपी होगी वो कुछ रजिस्टर के फॉर्म में होती है, वो भी आपको पता है. अब आपको करना कैसे है, आपको क्वेश्चंस उतारने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है अपनी कॉपी में. पहली बार आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है और उसमें कुछ भी नहीं करना. आप अपने साथ जो है ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू कलर की पेन आपको यूज़ करनी है. आपको अपने ब्लैक कलर की पेन को यूज़ करना है और इसी का स्केच पेन भी यूज़ करना है. ब्लू ब्लैक के सिवा आप कोई और स्केच पेन बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा पहली बात, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, कॉपी नहीं भी चेक कर सकती. ग्रीन कलर की पेन और रेड कलर की पेन से तो बिल्कुल भी सोचिएगा भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा. साथ ही साथ अपने साथ वाइटनर और हाइलाइटर समथिंग कुछ भी मत लेकर जाइएगा, वो भी आपके लिए दिक्कत करेगा. तो जो कट जाता है या जो गलतियां हो जाती है उसको नॉर्मली, जैसे डीलेट में कोई गलती हो गई तो नॉर्मली ऐसे काट दो एक लंबी सी लाइन से, ना उसको ऐसे 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 करके एकदम गोचो ओचो कुछ, नॉर्मली उसको ऐसे करके काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतना एग्जाम ना ध्यान देंगे और देंगे तो कट गया तो कट गया, गलती हो गई तो हो गई, इस तरीके से करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा. अब जैसे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको 5 MCQs, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पी नहीं लिखे रहेंगे. इंग्लिश का पेपर पूरा इंग्लिश में रहेगा, उसमें बाइलिंगुअल या हिंदी कुछ भी नहीं रहेगा. और सभी बच्चों को अपनी पूरी कॉपी इंग्लिश में ही लिखनी है, बाकी सभी सब्जेक्ट हिंदी में लिखने हैं, एक बात ध्यान रखिएगा. अब बात कर लेते हैं करेंगे कैसे. तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो मैंने तो यहाँ पर आपके ब्लू स्केच से लिखा है, ये ब्लू स्केच से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेडिंग डाली है. आप चाहिएगा तो आप ब्लैक स्केच को यूज़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेडिंग डाल दीजिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि सबसे पहले बच्चे ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया. और एक बात और, ध्यान से क्रम वाइज करिएगा, यानी कि पहले बहुविकल्पी आता है तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेगा, फिर वेरी शॉर्ट लिखेगा, फिर शॉर्ट लिखेगा. जो क्वेश्चन इन सब के बीच में नहीं आएगा उनके लिए थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, आके फिर वहाँ पर लिख दीजिएगा. तो पहले मैंने क्या किया, आपके ब्लू कलर की स्केच से एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डाला. आप ब्लैक से भी डाल सकते हो और नीचे ऐसे करके लाइन बना सकते हो, ताकि समझ में आए कि हाँ यहाँ पर इस सेक्शन का क्वेश्चन बच्चे ने नीचे किया है, ठीक है? और देखना मार्जिन भी दोनों साइड कर लेना, इधर भी कर लेना, इधर भी कर लेना. आपकी कॉपी रजिस्टर फॉर्म में होती है आपको पता है, तो दोनों साइड मार्जिन कर लेना. फिर देखो आप क्या करना, कुछ नहीं करना. आप चाहो तो बीच में भी, जैसे मैंने यहाँ पर आंसर नंबर 1 लिखा है, फिर मैंने जो MCQ का जो मतलब जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को लिखा, और उस ऑप्शन में जो सही है उसका मैंने यहाँ पर वो शब्द भी लिखा. तो आप चाहो तो ये आंसर वाला सेक्शन यहाँ ना लिख के यहाँ पर भी लिख के उसके नीचे ऐसे भी कर सकते हो. नहीं चाहने का मन है, नहीं करना है, तो जैसे मैंने लिखा ऐसे ही सिंपली आपको लिख देना है. आप ब्लू पेन से, ब्लैक से, ब्लू से जैसे भी लिखते हो एकदम नॉर्मल लिखते हो. फिर आप चाहो आपको और मैंने अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन वगैरह तो करना हो तो करो, नहीं तो मत करना, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है. दूसरा देख लीजिए, ऐसे सेम क्वेश्चन और एक पेज में यही इतना करिएगा. ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव वाला कर रहे हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा पीछे जगह बच जाती है, जैसे इसमें भी बची हुई है. ये देखो यहाँ पर लास्ट में इतनी 3-4 लाइनें हैं जो बची हुई है, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया. तो आप भी ऐसे ही वैकेंट स्पेस को छोड़ दें, कुछ उसको भरने की यहाँ पर भी वेरी शॉर्ट को शुरुआत करो तो अच्छा भी नहीं लगेगा.
इस तरीके से आपको अपना नंबर वन करना है सेम, नंबर टू भी सेम इसी तरीके से करना है। एक दो लाइन का जैसे दो लाइन छोड़ी मैंने, देखो सब में दो लाइन छोड़ी, तो आप भी दो छोड़ना चाहो तो दो छोड़ दो, तीन छोड़ना चाहो तो तीन छोड़ो। कोशिश करना कि बराबर बराबर छोड़ना, ठीक है, ताकि अच्छा समझ में आए। तो एक नंबर टू है सेम ऑप्शन लिखा, उसका आंसर लिखा, फिर नंबर आंसर थ्री है सेम ऑप्शन लिखा, फिर ऐसे लिखा। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे ऑब्जेक्टिव के पाँचों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखने होंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो ये है वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में भी सेम मैंने वही मार्किंग इधर भी की है, मैं सेम मार्किंग मैंने इधर भी की है। वेरी शॉर्ट की यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली वेरी शॉर्ट आंसर, आप चाहो तो ब्लू या ब्लैक जिससे भी अच्छा हो आपकी वैसा लिख सकते हो, और एक छोटी सी लाइन करके अंडरलाइन कर देना। हमारा जो वेरी शॉर्ट होता है वो नंबर सिक्स से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने आंसर नंबर सिक्स का आप ANSWER ना लिख के ANSB लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इतना सबको समझ में आता है। फिर उसके बाद आपका जैसे यहाँ पर जो भी आंसर रहा होगा, आई वॉज इन्वाइटेड बाई हर, तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको ऐसे करके लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा, आप चाहिए तो इसके बगल वाली लाइन पे भी लिख सकते हैं, नहीं मैंने तो मैंने एक नीचे लिखना थोड़ा अच्छा समझा इसलिए मैंने नीचे लिखा है। अब इस तरीके से आप अपना एक आंसर लिख दो, फिर एक दो लाइन का यहाँ पे मैंने दो लाइन का गैप दिया हुआ है, अब दो लाइन का गैप लिख दो, क्योंकि कॉपी में पेजेस ज़्यादा रहते हैं, वैसे भी इंग्लिश जो 25 नंबर के पेपर हैं उनकी आंसर छोटे छोटे रहते हैं, तो हमें कॉपी भी थोड़ी सी फिल करनी रहती है। तो उसके बाद आंसर 7 यहाँ पर है, टेक एज मच एज यू वॉन्ट। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था, मैंने आंसर नंबर 7 लिखा। ये यहाँ पर गैप था, यहाँ पर गैप था, पूछा जा रहा था कि इस गैप में क्या भरा जाएगा, तो जहाँ पर गैप था मैंने क्या किया, इस गैप में एज मच भरा जाएगा, ठीक है, कितना भरा जाएगा, एज मच भरा जाएगा। तो मैंने क्या किया, जब फिल इन द ब्लैंक्स भरा गया तो आप चाहोगे तो एज मच सिर्फ लिख दोगे तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करना, पूरा आप भी लिखना, लेकिन जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए स्पेस डैश छोड़ा गया था क्वेश्चन में, उसके नीचे आप डैश बना रहे हैं, जिससे ये समझ में आएगा कि बच्चे ने यहाँ पर ये चीज़ भरी हुई है और इसका राइट आंसर ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इससे अंडरलाइन से समझ में आएगा कि बच्चा कुछ यहाँ पर दिखाना चाह रहा है, इस तरीके से आपको भी उसमें से कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर वही देखिए, दो लाइन का गैप दे दिया, आई होप दैट आई विल पास, फिर आपका दो लाइन का गैप है, फिर एक कुछ और था वो भी मैंने यहाँ पर आंसर 9 लिख दिया, आंसर 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, तो इस तरीके से करके मैंने लिख दिया। अब आप क्या करना, आप चाहना तो जैसे एंड हो रहा है, वेरी शॉर्ट खत्म हो रहा है, 11 तक वेरी शॉर्ट रहता है, तो आप एक लाइन चाहो तो यहाँ एंड में खींच सकते हो, मैंने नहीं खींची, आप यहाँ पर डबल लाइन खींच देना, ठीक है, आप यहाँ पर डबल लाइन खींच देना। आपका अगर मन करता है तो आप हर एक आंसर के भी नीचे बीच में कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइनिंग हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी कॉपी लाइनिंग में रहती है, तो हमें इतनी लाइन खींचने की कोई मतापच्ची नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। तो वेरी शॉर्ट का भी सेम ऐसे ही आपको लिख देना, कुछ भी नहीं करना एकदम, बस ये करना कि कटपट ना करना ज़्यादा, बहुत ऊंचा ही मत लिखना, साफ साफ एक बराबर की राइटिंग में लिखना, एक बराबर आंसर, देखो मेरा आंसर एक बराबर है, कहीं मैंने यहाँ नहीं लिखा तो कहीं मैंने यहाँ नहीं लिखा, सब एक बराबर से लिखा है मैंने, और सेम वैसे ही आपको भी लिखना, एक फॉर्मेट होना चाहिए आपका, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो अब आ रही है शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर दो नंबर के होते हैं, मार्किंग दोनों साइड बना लेना पहले से जैसे कॉपी मिलेगी। अब आंसर नंबर मैंने 12 लिख दिया, ये कोई एक पत्र है, जो पत्र लिखा गया था, देखो ये मैंने लिखा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, आप देखो ये मेरी राइटिंग है, ठीक है, ये मैंने लिखा है, और फिलहाल मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, बट ओके ओके है, और काफ़ी टाइम बाद मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है, आप लोग को लिखने का तरीका, आप लोग को लेटर, आपको एक दिन एप्लीकेशन और लेटर बताना, मैं बता दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर ढेर सारे आंसर ना लिखने को बताया, सिर्फ एक लेटर लिख लिया। आपको ये ध्यान रखना है लेटर में क्या बताना है, अब लेटर कौन सा आएगा ये नहीं पता, लेकिन एक लेटर ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर कोई डियर ऐसे हैं उन्होंने दिया, तो सिंपली आप एक बराबर लाइन पर लिखो, फिर मैंने कॉमा लगाया, यहाँ से स्टार्टिंग की है तो कुछ स्टार्टिंग आपको भी ऐसे ही करनी होगी। फिर ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये आपका एक सिक्वेंस में है, आगे पीछे नहीं आना चाहिए, भले आप कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है ये, लेकिन ये कि थोड़ा सा अच्छे से लिखना, तो ये आपका एक बराबर चलना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेम वैसे देखो मैंने नीचे भी सेम एक बराबर लिखा है, तो कुछ इस तरीके से लास्ट में फिर आपका जो भी चीज़ें होंगी उसको लिख के अपना एंड कर देना। तो अगर कोई मान लीजिए प्रिंसिपल को लिखने को आता है, कोई एप्लीकेशन लीव लेनी है, सिकनेस लीव लेनी, कुछ भी है व्हाटएवर, तो वो आपको एक सीक्वेंस है छोटा, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बड़ा आपको इसलिए दिख रहा है कि मैंने काफ़ी दूर दूर लिखा है, साथ ही मैंने दोनों साइड मार्जिन भी कर दी है, तो एप्लीकेशन एक पेज में भर जानी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एप्लीकेशन लिखने को आती है, ठीक है, आएगी ज़रूर, तो उसको दो पेज में मत करना कि आधा नीचे से स्टार्ट करो, छोड़ देना पेज, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो लिख रहे हो आप लोग, ये लास्ट में ही होगा और आपने आधा आंसर लिखा, यहाँ पर आपका पेज बच रहा है, तो यहाँ से लिखने लगो और पीछे जाके एंड करो, तो वो अच्छा लुक नहीं देता है। तो एक ही पेज में पूरी एप्लीकेशन लिखना, पैराग्राफ जो लिखने को आ रहा है उसको भी एक पेज में लिखना,
आधा आंसर इस पेज में, आधा आंसर उस पेज में, उस तरीके से मत करना, ठीक है? इतना ध्यान रखना, ऐसा कोई भी आंसर मत लिखना 2 नंबर का, और किसी पेपर में मत लिखना, इसी में नहीं किसी में भी मत लिखना। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की अच्छी सी कॉपी लिख सकते हो। देखो मैंने पूरा लेटर लिखा, लेकिन एक भी जगह पर मैंने कट पिट कुछ भी नहीं किया है। तो आप इसी तरीके से अपनी अच्छी सी राइटिंग लिखते हुए और एक सही कंटेंट लिखते हुए अपना अपना पेपर पूरे अच्छे से करिएगा, ठीक है? तो ये रही आपकी इंग्लिश की कॉपी लिखने का तरीका जो मैंने बताया। बाकी सब्जेक्ट की भी सेम कॉपी आपको ऐसे ही लिखनी है। मैथ की कॉपी के लिए रफ़ करने के लिए पीछे एक पेज बन लीजिएगा एकदम पीछे, उसमें ऊपर रफ़ लिख दीजिएगा, उसके बाद उसमें पेंसिल से या पेन से जैसे मन होगा उससे रफ़ करिएगा। और सभी कॉपियों में मार्जिन पहले से इस तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पर मैथ में रफ़ मत करिएगा, कोई गोचा पाची कुछ भी मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा, कॉपी का लुक गंदा आता है तो वैसे भी एग्जाम में पता नहीं कैसे मूड में चेक करते हैं कि हमेशा बच्चों को फेल कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप जैसे लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में 2 लाइन की इसकी ख़त्म कर देना कि यहाँ से हमारा ओवर हो गया, मेरे सारे क्वेश्चन भी 1 बाय 1 करके हो गए। और ये ध्यान रखना कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर देना पेंसिल से, मतलब उसके नीचे पेन बना देना, तो और अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे कलर पेन बिल्कुल भी यूज़ मत करना, किसी पेपर मत करना, और सिंपल सिंपल साफ़ सुथरा आराम से लिखना डॉट पेन से, कोई दिक्कत नहीं। जेल से मत लिखना, क्योंकि जेल से कॉपी लिखते नहीं बनती है, ठीक है? जेल से मत लिखना, कॉपी लिखते नहीं बनती, समय निकल जाएगा। तो ये रहे कॉपी लिखने का तरीका जो कि मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। उम्मीद है कि क्लास काफ़ी अच्छी होगी आप लोग का, पहले बता दिया कि ताकि आप लोग पहले से इस तरह लिखते रहो, एम टाइम में बताने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? चलिए ऐसे ही आप लोग स्माइल करते रहिए। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, उसको भी बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।